बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द कोचिंग एकेडमी। इट्स मी जाहिदुल्ला साफ़ी, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर वर्किंग एज अ लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज पिशावर। अलहम्द कोचिंग एकेडमी आपके लिए ला रहे हैं इन इंडिकेट 2020 एमसीक्यूज एंड देयर डिस्कशन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट The introduction to fundamental concepts of chemistry या fundamental concepts of chemistry से related question आया है 2020 entry test में। इसका statement है कि in a vessel 10 gram of nitrogen, 10 gram of hydrogen and 10 gram oxygen are present, which one will have least number of atoms? यानी हमें तीन different gases दी गई हैं और इसका equal weight दिया गया है और हमसे इनके नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। तो बेटा इस किस्म के सवालात को हल करने के लिए जो फार्मूला गिवन है, तो फार्मूला इस किस्म के सवालात का जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ दिस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो हमें दिया गया है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास हमें अगर नहीं दिया गया तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कंपाउंड की एटमों के एटॉमिक मास को हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास मोलर मास आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 10 रेस टू पावर 23 और मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी जो है, एटोमिसिटी से मुराद होता है कि किसी कंपाउंड के अंदर गिवन एटम जो है इनकी तादाद कितनी है। तो इस फार्मूले से आप जो है नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं अगर आपको ग्राम दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड का, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट्स की आपने बतानी हो तो हम उसको इस फार्मूले से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटोमिसिटी। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया है, हाउ मच है ये 10 ग्राम है, तो हम लिखेंगे 10 ग्राम। मोलर मास नाइट्रोजन का है 28 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 एट कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इस कंपाउंड के अंदर 2 है, तो इसका आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 28 इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो इससे आंसर आएगा 4.3 इनटू 10 रेस टू पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। तो इसके अंदर टोटल एटम्स जो हैं 4.3 इनटू 10 रेस टू पावर 23 एटम्स मौजूद हैं। दूसरा में दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 2 है इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इनटू 10 रेस टू पावर 23 है और इसकी एटोमिसिटी जो है ये क्या है 2 है, तो 2 के साथ कैंसिल हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर कम्स आउट टू बी 6.023 इनटू 10 रेस टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स है। इसी तरह हम ऑक्सीजन का देखते हैं, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्राम हमें दिया गया है 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटोमिसिटी। सो आंसर कम्स आउट टू बी 4.011 इनटू 10 रेस टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। सो इन तीनों ऑप्शन में
जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम देते हैं तो वो कौन सा एटम है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो लिहाजा आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो इन द गिवन कंपाउंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल जो है सबसे कम है। सो दिस वाज द नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना।